बॉलीवुड के महानायक अब जमीनों के शहंशाह धड़ाधड़ खरीद रहे प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी। लग्जरी विला और प्लॉट के बाद अब खरीदी नई प्रॉपर्टी। मुंबई के पॉश इलाके में 60 करोड़ में खरीद डाले 3 प्रॉपर्टी। जी हां, सदी के महानायक और बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन अब जमीनों के शहंशाह बन गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब तक के करियर में उनके प्रॉपर्टी में निवेश की लंबी चौड़ी फहरिस्त कह रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं करें तो हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कई बेशकीमती प्रॉपर्टियों पर न सिर्फ अपना हाथ रखा है, बल्कि हाथों हाथ उसका सौदा करके उसे अपने नाम भी कर लिया है। बहरहाल, बच्चन साहब ने एक बार फिर सोना उगलती कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद डाली है। उन्होंने मुंबई के एक पॉश इलाके अंधेरी में 60 करोड़ रुपए देकर 3 कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली है। ये तीनों प्रॉपर्टियां वीर सावरकर सिग्नेचर बिल्डिंग में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 ऑफिस यूनिट्स खरीदने के लिए उन्होंने 60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इस प्रॉपर्टी का कुल एरिया 8,429 स्क्वायर फुट बताया गया है। वैसे इसके पहले अमिताभ बच्चन ने पिछले वर्ष ही इसी सिग्नेचर बिल्डिंग में 4 ऑफिस खरीदे थे, जिनको तब से करीब 2 करोड़ रुपए के सालाना किराए पर दे रखा है। वहीं कुछ वक्त पहले उन्होंने अलीबाग में एक लग्जरी विला बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, जबकि जनवरी महीने में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के पास एक बड़ा प्लॉट भी खरीदा था। जुहू का आलीशान बंगला प्रतीक्षा तो अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता नंदा को तोहफे में ही दे डाला है। आपको ये भी बता दें कि बच्चन परिवार के पास मुंबई में कई संपत्तियां हैं। कुछ समय पहले तो उनके बेटे अभिषेक बच्चन तक ने बोरीवली में 15 करोड़ से ज्यादा के 6 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे थे। आपको ये भी बता दें कि जिस सिग्नेचर बिल्डिंग में अमिताभ बच्चन ने हाल ही में प्रॉपर्टी खरीदी है, उसी सिग्नेचर बिल्डिंग में एक्ट्रेस काजोल ने भी पिछले साल कमर्शियल स्पेस खरीदा था। वहीं एक्ट्रेस सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह ने भी इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर 9 करोड़ रुपए देकर एक यूनिट खरीदी थी। पिछले साल कार्तिक आर्यन ने भी इसी बिल्डिंग में 10 करोड़ से भी ज्यादा रकम देकर प्रॉपर्टी खरीदी थी।